कैसा जाएगा भाई, खराब हो गया सब। क्यों साला, अपना कोई एजुकेशन सिस्टम है ऐसा? मेरे टीचर को सिर्फ इस बात की चिंता रहती है कि 3 घंटे से पहले कोई भी बच्चा क्लासरूम से बाहर ना निकल जाए। मेरा तो 5 मिनट में हो जाता है। नहीं, इतना ही टाइम लगता है पहले वाले पेपर पे रोल नंबर और ओम लिखने में। हाँ, और मैंने देखा बगल में हिंदू बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे, सिख बच्चे, मुस्लिम बच्चे, सब ओम लिख रहे हैं। मैंने सोचा कहीं यही सही आंसर तो नहीं है। और भाई किसी तरह से गाड़ी आगे बढ़, मतलब बंदे को एक क्वेश्चन का आंसर आता है, उसी को मैं काट काट के बार बार लिख रहा हूँ कि थोड़ी शीट्स भर जाए। मुझसे एक शीट नहीं भरी जा रही, पीछे से एक आवाज आएगी, मैम शीट। साले 5 मिनट होते नहीं, इनको शीट की जरूरत पड़ने लगती है। और एक शीट नहीं मांगी है ना, पांच पांच शीट। मैम 5 शीट दे दीजिए, मैम मैप दे दीजिए। मैप का कौन सा क्वेश्चन? मुझे पता ही नहीं मैप का कोई क्वेश्चन भी है। मैंने भी अकड़ने लिया, मैम मैप दे दीजिए। अब मैप में मुझे कुछ पता नहीं क्या बनाना। तो भाई बीच में जगह जो होती है उसमें इंडिया लेके और आ जाता हूँ। लेकिन कुछ लोगों को जो है ना नकल भी करनी नहीं आती। सीधी सीधी नकल मिल रही है, नकल भी करनी नहीं आती। एक मेरा दोस्त है राहुल, उसको नकल नहीं करनी आती। अभी एग्जाम हुए तो मैंने कहा ऐसे कैसे दे जाती, तो गाइड बुक लिया, कराइए। कराइए क्या? इसमें सारे आंसर। पर देखा कैसे उसने क्या किया, उसने अपनी पैंट उतारी, पैंट में यहाँ पर गाइड बुक बांध ली और पैंट पहनी। मैंने कहा अरे राहुल, बट देखा कैसे, कह रहा सिम यहाँ पे सारे क्वेश्चन देखूंगा, टॉयलेट में जाऊंगा, टॉयलेट में सारे आंसर लिख के वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा वाह, तो फिर गाइड बुक टॉयलेट में छोड़ा। यही चीज तो सीखनी थी। थैंक यू भाई, ऐसे ऐसे तो दोगे छोड़ना भाई। एग्जाम का क्या, एग्जाम तो फिर होगा, फिर पास होंगे। पास फेल तो लगा रहता है, जो करेगा नहीं वो फेल कैसे होगा, ये मैंने पढ़ा था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।